ये एक बहुत ही सुंदर से मैकेनिज्म है जिसमें ड्राइव राइट एंगल्स 90 अंश पे ट्रांसमिट होती है। इसके लिए हमको एक कटी हुई बोतल, दो ढक्कन, साइकिल की तीली, आप ये देखिए एक एक्रोबैट बनाए, एक घुमक्कड़ बनाए, एक बीच में एक साइकिल की स्पोक है और स्ट्रॉस है, और जब हम इसको घुमाते हैं तो इसके हाथ पैर बहुत अच्छी तरह से घूमते हैं एक नट की तरह से। और ये दो ढक्कन है, बाईं तरफ एक छोटा हरा ढक्कन है और सफेद ढक्कन है। इनके सेंटर में, केंद्र में आप एक छोटे छोटे से छेद बनाइए, फिर एक कटी हुई बोतल लीजिए। इसमें देखिए दो निशान है जिसमें से क्रैंक होके गुजरेगा, ये इसका बॉटम व्यू है। और ढक्कन में, ढक्कन को खोलेंगे तो उसके में एक स्टिफ स्ट्रॉ एम्बेडेड है, इसमें से साइकिल की स्पोक गुजरेगी। अब आप जो एक्रोबैट है उसकी साइकिल की स्पोक को इस ढक्कन में डालिए और नीचे से छोटे ढक्कन को बिल्कुल टाइट फिट कर दीजिए। वहां पे थोड़ा सा गूंद भी लगा सकते हैं उसको परमानेंटली फिक्स करने के लिए। उसके बाद में दो छेद हैं बोतल के अंदर, उसमें सबसे पहले साइकिल स्पोक का क्रैंक घुसाइए, उसके बाद में बड़ा सफेद ढक्कन डालिए और इस क्रैंक को दूसरे छेद में से निकाल दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये छोटा ढक्कन बड़े ढक्कन के ऊपर बैठा हुआ है। जो क्रैंक है वो हॉरिजॉन्टल है और जो नट है, एक्रोबैट है, वो वर्टिकल है। अब आप इस पूरे यंत्र को, पूरे खिलौने को एडमायर कर सकते हैं, इसका बॉटम व्यू है। अब ये छोटा बड़ा ढक्कन छोटे ढक्कन को घर्षण से घुमाएगा, ये इसका क्लोजअप व्यू है। आपको एक्रोबैट दिखाई दे रहा है, छोटा ढक्कन बड़े ढक्कन के ऊपर बैठा हुआ है, क्रैंक हॉरिजॉन्टल है। एक हाथ से पकड़कर जैसे ही आप क्रैंक को घुमाते हैं, ये नट एक्रोबैट अपने हाथ पैर इधर उधर घुमाता है, और ये इस मैकेनिज्म का क्लोजअप व्यू है। यहाँ पर ड्राइव राइट एंगल्स पे ट्रांसमिट हो रही है, एक 90 अंश पे ट्रांसमिट हो रही है, और यही इसकी मुख्य बात है कि सफेद ढक्कन हरे ढक्कन को घर्षण से राइट एंगल्स पे घुमा रहा है। यहाँ पर आप इस बच्चे को देख सकते हैं कि उसको इस खिलौने से खेलने में कितना आनंद आ रहा है।